हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एटम वर्क के गोरिल्ला पेडेस्टल फैन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा। ये फैन एक एनर्जी एफिशिएंट फैन है जो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है और इसमें नई टेक्नोलॉजी की BLDC मोटर यानी ब्रशलेस DC मोटर का यूज किया गया है, जिसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। जहाँ नॉर्मल फैंस में इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, यहाँ बॉक्स पर कुछ हाइलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि BLDC मोटर, 400 mm साइज, रिमोट कंट्रोल, डबल बॉल बियरिंग, 2 ईयर की ऑन साइट वारंटी। यहाँ पर भी वही हाइलाइट्स दी गई हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं और ये 3,690 रुपये MRP इसकी दी गई है, लेकिन ये इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। मैं वीडियो में आगे आपको प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊँगा। सो गाइस, चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी सेफ तरीके से करी गई है, और ये है इस फैन का यूजर मैनुअल, और ये है वारंटी कार्ड और 1 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड जिसको आपको रजिस्टर करना होगा। ये है रिमोट कंट्रोल और ये इसकी बैटरी है, और ये फ्रंट और बैक ग्रिल और ब्लेड्स हैं। ये फ़ैन का बेस है और ये कॉलम है, और ये फ़ैन का मोटर और बॉडी है। तो अब हमारे जो सारे पार्ट हैं वो निकल चुके हैं, तो इसको आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से असेंबल करवा सकते हैं, या फिर दिए गए मैनुअल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आसानी से इसे असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए असेंबल का पूरा प्रोसेस जानते हैं और इसकी फिर वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में लगे इस बोल्ट को अनस्क्रू करके वाशर निकाल लेते हैं, और बेस में दिए गए इस स्लॉट को कॉलम से मैच करके फिट कर देते हैं, और बेस के नीचे की ओर से वाशर लगाकर बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब इस कॉलम के इस नॉब को ढीला करके हाइट एडजस्टेबल सॉफ्ट को निकाल लेना है और नॉब को फिर से टाइट कर देना है। फिर इस फिक्सिंग नॉब को ढीला करके कॉलम में माउंट कर देते हैं और फिक्सिंग नॉब को टाइट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस नॉब को ज़्यादा फोर्सफुली टाइड नहीं करना है। अब आगे वाले इस प्लास्टिक नट को खोल लेना है, और इसके बाद फिर जो पीछे ये प्लास्टिक नट लगा हुआ है इसे भी आपको खोल लेना है। गाइस, अब इस ब्लेड को ग्रिल से अलग करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिक्वायर्ड साइज के स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोल लेते हैं। इस पार्ट का कोई भी यूज नहीं है, इसे आपके घर के बच्चे खेलने में गिल्ली की तरह प्रयोग कर सकते हैं। गाइस, ग्रिल को मोटर पर दिए गए स्लॉट से मैच करके फिट करना है, फिर प्लास्टिक नट को टाइट कर देना है। इसके बाद सॉफ्ट पर दी गई ब्लेड पिन पर ब्लेड नोच में एडजस्ट कर देना है। इसके बाद ब्लेड लॉकिंग नट को एंटी क्लॉकवाइज टाइट कर देना है, और फिर फ्रंट ग्रिल को बैक ग्रिल के साथ प्लास्टिक रिम से टाइट कर देना है। प्लास्टिक रिम लगाने के लिए 1 और % की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद आपका जो फैन है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। गाइज, इस फैन को मैंने ऑन कर लिया है। गाइज, ये फ़ैन जो है 30 से 35 वाट तक कंज्यूम करता है बिजली, और जहाँ नॉर्मल फ़ैन 55 से 80 वाट तक कंज्यूम करते हैं, और ये फ़ैन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, एटम्बर की वेबसाइट से मिल जाएगा, और जिनकी मैंने लिंक्स एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, और जहां से आप इसका करंट प्राइस भी जान सकते हैं। गाइस, ये फ़ैन डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, और इसको आप फ़ैन पर दिए गए बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे दिए गए रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपका फ़ोन IR सपोर्टेड है तो आप अपने फ़ोन से भी फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑन और स्पीड लेवल चेंज करने का बटन है, जिसमें आपको स्पीड 1, 2, 3 और बूस्ट मोड मिल जाते हैं। बूस्ट मोड पर फैन की मैक्सिमम स्पीड होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको ऑक्सीलेशन बटन मिलता है, जिसे अगर आप ऑन करते हैं तो आपका फ़ैन हाफ डायरेक्शन में रोटेट होकर हवा देता है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें मिलता है टाइमर बटन, जिससे हम 1 से 6 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं, और सेट किए गए टाइम के बाद फ़ैन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और चौथे नंबर पे ऑफ बटन है, जिससे कि हमें काम ना होने पर इस फ़ैन को हम बंद कर सकते हैं। सो गाइस, ये था रिव्यू एटम वर्क के गोरिल्ला पेडेस्टल फ़ैन की। आई होप आपको ये वीडियो, ये फ़ैन
पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल।